बीजेपी एससी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। यूपी में कौशाम्बी और प्रयागराज बॉर्डर पर मोदी किचन समापन के कार्यक्रम में वे शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी सांसद ने बेतुका जवाब देते हुए कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसे कार्यक्रमों में कार्यकर्ता कभी कभी उत्साह में नजदीक आ जाते हैं। सवाल यही उठता है कि एक और पीएम मोदी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना पर जोर दे रहे हैं, वहीं उनके सांसद ही नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रवासी श्रमिक थे जो सड़कों पे आ रहे थे या बस पे आ रहे थे, उनकी सेवा के लिए हम लोगों के द्वारा यह प्रयास शुरू किया गया। वैसे तो 26 मार्च को लॉकडाउन होने के बाद तुरंत मेरे द्वारा मोदी रोटी बैंक की स्थापना की गई, उसके माध्यम से पूरे देश में जहां पर भी लोगों को भोजन की दिक्कत आई, लोगों ने संपर्क किया, उनको भोजन भेजाने का काम किया गया। लेकिन जब श्रमिक सड़क पे निकल आए तो उनकी समस्या को देखते हुए मोदी रोटी बैंक के माध्यम से मोदी किचन यहाँ शुरू किया गया प्रयाग और कौशाम्बी के बॉर्डर पर। और यहाँ पे आने वाले चाहे श्रमिक हों चाहे बस से जो लोग आ रहे थे, सबके लिए केवल भोजन की व्यवस्था नहीं की गई बल्कि शौचालय की भी व्यवस्था करके भारतीय जनता पार्टी के महानगर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के जो महानगर के अध्यक्ष गणेश जी हैं, तो उन सबका सहयोग लेके इस कार्यक्रम